Hello everyone, I'm your friend Amit Siaram, the director and founder of Modern English Institute भोपाल। अब अंग्रेजी बोलना आसान है दोस्तों। आज एक स्पोकन इंग्लिश का फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम लोग सीखेंगे अपनी लाइक्स को कैसे बताएं। आप कहीं से लाइक्स मुझे बताना आता है, एक या दो सेंटेंस आते हैं। आज मैं आपको पूरे 7 फ्रेजेस देने वाला हूँ, मजा आ जाएगा। आप कभी भी इंग्लिश में अपनी फीलिंग्स बताने से हिचकोगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फ्रेज नंबर 1। पहला फ्रेज हमारा आई एम क्रेजी अबाउट। कम ऑन, क्या है आई एम क्रेजी अबाउट? जब किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर बड़ा जुनून हो, पागलपन सा हो, कि आपको एक बार झूला दिख गया तो फिर आप बिना झूला झूले नहीं रहेंगे, एक बार आइसक्रीम दिख गई तो बिना आइसक्रीम खाए नहीं रहेंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ को लेकर पागलपन है तो आप बोलते हैं आई एम क्रेजी अबाउट। तो अगर आप आइसक्रीम को लेकर पागल हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम क्रेजी अबाउट आइसक्रीम। यस नो, तो कोई भी चीज़ को लेकर आपका पागलपन हो सकता है। मैं मूवीज के लिए पागल हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम क्रेजी अबाउट मूवी। तो जिस चीज को लेकर पागल हैं उस चीज के लिए अपन बोलते हैं आई एम क्रेजी अबाउट, और उस चीज का नाम रख देते हैं। यस नो, चलो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करने की कोशिश करता हूं। आप भी कॉपी पेन ले सकते हैं या बोलना शुरू कर रख सकते हैं तो आप बोलना सीख जाएंगे। तो यहां पे लिखा आई एम क्रेजी अबाउट, तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं मूवीज के लिए बड़ा पागल रहता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम क्रेजी अबाउट मूवीज। आप आइसक्रीम के लिए हो सकते हैं आई एम क्रेजी अबाउट आइसक्रीम। आप सेल्फी के लिए हो सकते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम क्रेजी अबाउट सेल्फीज। वेल वॉट एवर इट इज, एक चीज। दूसरा क्या लिखा? मैनियक। अगर आप किसी व्यक्ति के बहुत बड़े फैन हैं, कम ऑन, आप किसी व्यक्ति के बहुत बड़े फैन हैं तो आप बोलते हैं मैनियक। आपने कहा मैं रणवीर का बहुत बड़ा फैन हूं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम रणवीर मैनियक। आपने कहा मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम मोदी जी मैनियक। यस नो, आपने कहा मैं मॉडर्न इंग्लिश का बहुत बड़ा फैन हूं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम मॉडर्न इंग्लिश मैनियक। मैनियक मतलब होता प्रशंसक, बहुत बड़ा सपोर्टर, भक्त बोल सकते हैं आप। यस नो, तो अगर आपको बोलना पड़ जाए कि कोई व्यक्ति किसी चीज का दीवाना है, पागल है, राइट, तो क्या बोल सकता है? मैनियक। यस नो, तो अगर बंदे को बोलना पड़ जाए कि मैं आमिर खान का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ या बहुत बड़ा फैन हूँ तो बंदा क्या बोल सकता है? आई एम आमिर मैनियक। क्या बोल सकता है? आई एम आमिर मैनियक। हालांकि अभी आमिर खान की एक मूवी बड़ी फ्लॉप हो गई बेचारे की। कौन सी मूवी थी वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। वेल वॉट एवर इट इज, बाकी उनकी मूवी काफ़ी अच्छी आती है, जैसे 3 Idiots अच्छी थी, PK अच्छी थी, दंगल बहुत शानदार थी। वेल तो अगर बोलना पड़ जाए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हो गई तो आपको बताना क्यों पड़ जाए कि आप किसी व्यक्ति के बहुत बड़े फैन हैं, राइट, तो आप बोलते हैं मैनियक। तो आपने कहा मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ तो क्या बोल सकते हैं? आई एम आमिर मैनियक। फैन तो आप बोल ही सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइक। जब कोई चीज़ आपको हल्का फुल्का पसंद करते तो आप बोलते हैं लाइक। कम ऑन, क्या बोलते हैं? लाइक। हो जाए तो ठीक है और ना हो तो ठीक है। आइसक्रीम पसंद है, मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आई लाइक आइसक्रीम। लेकिन पागल है आइसक्रीम को देख के फिर बिना खाए नहीं रहेंगे तो बंदा क्या बोलेगा? आई एम क्रेजी अबाउट आइसक्रीम। तो मुझे आइसक्रीम इतना तो पसंद नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत पसंद है तो क्या बोलूंगा? आई लाइक आइसक्रीम। कम ऑन, क्या बोल सकते हैं? आई लाइक आइसक्रीम। लाइक का एक सिनोनिम है इंग्लिश में लव। लव का मतलब प्यार भी होता है और लव का मतलब पसंद भी होता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तब आप बोल सकते हैं आई लव इट। आपने कहा मुझे डांस करना अच्छा लगता है, आई लव डांसिंग। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आई लव सिंगिंग। यस नो, नेक्स्ट देखते हैं अडोर। जब कोई चीज़ आपकी पसंद से थोड़ा ऊपर आ जाए तब हम उसको बोलते हैं अडोर। कम ऑन, क्या बोलते हैं? अडोर। जैसे कि अगर मैं अपने लेवल पे बात करूं तो मुझे सिंगिंग डांसिंग का मतलब अच्छा लगता है मुझे, लेकिन पढ़ाने को लेकर मैं पैशनेट हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई अडोर टीचिंग। कम ऑन, क्या हो जाएगा? आई अडोर टीचिंग। तो अडोर मतलब क्या है? मोर देन लाइक, मोर देन लाइक। लाइक से कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। लाइक से अगर ज्यादा रहेंगी चीजें तो अपन क्या लगाते हैं, क्या लगा देते हैं गाइस? तब हम लोग लगाते हैं अडोर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस नो, आर यू स्लीपिंग मैन? नो, हाँ जी, कीप वॉचिंग। क्या लिखा है? तो अगर बोलना पड़ जाए कि आपको कुछ चीज पसंद से भी ज्यादा पसंद है तो आप बोलते हैं अडोर। यस नो, तो अगर आप मानो डांसिंग को लेकर बड़े पागल रहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई अडोर डांसिंग। यस ओ नो, मैनियक मत बोलिएगा। मैनियक होते हैं हम, फैन होते हैं हम किसी व्यक्ति के। नेक्स्ट लिखा है अप्रिशिएट। कम ऑन, क्या है गाइस? अप्रिशिएट। अगर आप म्यूजिक के दीवाने हैं तो आप बोल सकते हैं आई अप्रिशिएट म्यूजिक।
मजे लेके गाना सुनने को कहा जाता है अप्रिशिएट म्यूजिक। तो अगर आपको बताना पड़ेगा भाई म्यूजिक का तो बड़ा फैन हूँ, जब भी मैं सैड फील करता हूँ अच्छा फील करता हूँ तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई अप्रिशिएट और म्यूजिक। और ये वाला फ्रेज तो आपको पता ही होगा, शौक को बताने के लिए अपन यूज करते हैं फॉन्ड डॉग। किसका यूज करते हैं? फॉन्ड डॉग। तो आपको किसी चीज का शौक है तो आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड डॉग। कम ऑन, क्या बोल सकते हैं? आई एम फॉन्ड डॉग। मुझे गाना गाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, यस और नो? तो जब आपको बोलना, आपको विजिट करने का डिफरेंट कंट्री डिफरेंट प्लेसेस शौक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस, यस और नो? तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इनके फ्रेज से बहुत सारे सेंटेंस बनाइएगा, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिएगा, और आज नहीं तो कल आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, यस और नो? दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते हैं, राइट? तो बाकी बात करेंगे हम लोग ब्रेक के बाद। इसी तरह कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। बाय बाय।